वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा। मैं हूँ हुमैरा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है भोजन ये कहाँ से आता है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से की समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है खाद्य संघटक और इसके स्रोत। सबसे पहले आपको ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भोजन किसको कहते हैं। तो जो हम डेली खाते हैं खाना, तो खाने को ही हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं, आप भी खाते हैं, सभी खाते हैं, खाने के बिना तो जीवन जो है वो अधूरा है। तो जो हम खाना खाते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम उसी को भोजन कहते हैं। तो ये जो भोजन है, ये जो खाना है हमारा, ये आखिरकार आता कहाँ से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ से आता है ये खाना, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमारी मम्मी लेकर आती है किचन से, कुछ कहेंगे कि बाज़ार से आता है, कुछ कहेंगे कि। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये भोजन यानी खाना आता कहाँ से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खाद्य संघटक और इसके स्रोत। तो खाद्य संघटक किसको कहते हैं, तो संघटक किसको कहते हैं ये हम पहले जानते हैं। खाद्य का मतलब होता है खाना, संघटक किसको कहते हैं ये हम पढ़ते हैं अभी, और स्रोत किसको कहते हैं ये भी हम आगे जानते हैं। चलिए, तो संघटक किसको कहते हैं, तो भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। जैसे कि आपको कुछ बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ऑयल चाहिए और वाटर चाहिए और मसाले चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, है ना, और आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है, तो मैगी चाहिए। तो आपको कुछ चीज़ अगर बनानी होती है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो जो चीज़ें जो हमने यूज़ की होती है उनको हम क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम संघटक कहते हैं। या फॉर एग्जांपल आपकी जैसे मम्मी कुछ सब्ज़ी बनाती है, तो सब्ज़ी बनाने के लिए क्या कच्ची सब्ज़ी चाहिए और तेल चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, मसाले चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसके अलावा। तो जो ये जो चीज़ें होती हैं इन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं, हम संघटक कहते हैं। ठीक है, तो भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कच्ची सामग्री, नमक, मसाला, तेल आदि, तो इन्हीं को हम संघटक कहते हैं। तो आपको संघटक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत, यानी ये जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने की चीज़ें होती हैं, आखिरकार आती कहाँ से हैं, ये जो कच्ची सब्जियाँ हैं, मसाले हैं, ठीक है, ये आखिरकार आती कहाँ से हैं। तो जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों के स्रोत कहते हैं। जिन जिन चीज़ों से हमें खाना मिलता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हम उसी को हम खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। तो बेसिकली ये जो खाद्य पदार्थों के स्रोत हैं दो स्रोत से प्राप्त होते हैं, यानी एक तो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ और एक जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ। यानी हमें खाना कहाँ से मिलता है, एक तो पेड़ पौधों से मिलता है और दूसरा जंतुओं से मिलता है। तो पेड़ पौधों से कैसे मिलता है, जैसे हमें पेड़ पौधों से गेहूँ मिल जाते हैं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि, हम इनको उगाते हैं और ये हमें मिल जाते हैं, फिर हम इनको पका कर खा लेते हैं, ठीक है। और जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे कि अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, दही, मछली और पनीर इत्यादि। तो ये जंतुओं से प्राप्त यानी जानवरों से जो हमें मिलता है खाने की जो चीज़ें होती हैं वो, ठीक है। तो अंडा हम खाते हैं, मांस खाते हैं, दूध खाते हैं, दही, सॉरी दूध पीते हैं, खाते नहीं सॉरी, दही, मछली और पनीर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जंतु से। तो आपको ये याद रखने हैं, दो ये जो दो हैं, दो स्रोत हैं जिनसे हमें खाना यानी भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद कच्ची सामग्री किसको कहते हैं, तो कच्ची सामग्री से आप कच्ची से समझ गए चाहिए कि कच्ची, जैसे हमें भिंडी बनाने, तो भिंडी कैसी होती है, पहले बनाने से पहले कच्ची होती है, फिर हम उसको काट कर फिर उसको हम पकाते हैं, फिर वो गल जाती है, ठीक है। तो कच्ची सामग्री कौन सी होती है, तो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं, यानी संघटक मैंने आपको बताया था कि खाना बनाने के लिए जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जिन संघटकों का हम यूज़ करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, पानी हो गया, मसाला हो गया इत्यादि, ये सारी जो है कच्ची सामग्री हो जाती है। और अगर हम इन्हीं सब को मिला दें और गैस पर चढ़ा दें तो ये पक जाएंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। पौधे के खाने योग्य भाग, यानी पौधे के हम कौन कौन से भाग ऐसे हैं जो हम खाते हैं, तो कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम दो भाग खाते हैं, किसी के दो से ज़्यादा भाग खाते हैं,
ठीक है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे कि हम किसी पौधे की जड़ खाते हैं, अगर आप मूली का एग्जांपल लें तो जो मूली होती है वो ऐसे ज़मीन के अंदर ऐसे होती है, और उसकी जो जड़ें होती हैं वो यहाँ होती हैं, और मूली के पत्ते ऐसे 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 ऊपर होते हैं, ठीक है, ज़मीन के ऊपर। एक मिनट दोबारा से ड्रो करती हूँ। ये ऐसे मूली होती है, हमारी मूली होती है या फिर गाजर होती है, और ऊपर इसके पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, तो ज़मीन में ही ऐसे उगती है, ठीक है। और हम यहाँ से इसको पकड़कर खींच लेते हैं बाहर, तो हम क्या खाते हैं, हम उसकी मूली की जड़ खाते हैं, तो हम जड़ खाते हैं, तना खाते हैं कुछ पेड़ों, कुछ पौधों की, फल खाते हैं, फल कैसे, जैसे सेब हो गया, ठीक है, और लीची हो गई, तो हम कुछ पेड़ों के फल खाते हैं, कुछ के फूल खाते हैं, फूल कैसे, जैसे फूल गोभी आपने खाई होगी, फूल गोभी खाई है कभी, तो फूल गोभी आपने खाई होगी, तो वो क्या है, वो पौधे का फूल होता है, ठीक है। तो हम फूल भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, जैसे मूली के पत्ते खाते हैं, पालक के पत्ते खाते हैं। चलिए तब हम आगे पढ़ते हैं कि पौधों के भाग, अब हम पौधों के भाग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आलू का हम तना खाते हैं, जो आलू होता है वो भी ज़मीन के अंदर होता है, आलू ऐसे होता है, ये ज़मीन है हमारी और यहाँ पर आलू अंदर ज़मीन के अंदर उगते हैं, तो आलू का हम क्या खाते हैं, आलू का हम तना खाते हैं। मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, और पालक का पत्ता खाया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब अंकुरण किसको कहते हैं, तो अंकुरण किसको कहते हैं, बीज से, जो छोटा सा एक बीज होता है, ठीक है, और उसे शिशु पौधे यानी छोटा सा पौधा ऐसे निकल कर आता है, बीज में से इससे पौधा निकल कर आता है, उसका उगना अंकुरण कहलाता है। एक बीज होता है और उस बीज में से ऐसे छोटा सा पौधा निकल कर आ जाता है, उसको हम अंकुरण कहते हैं। मूंग का अंकुरण होता है, चने का अंकुरण होता है, ठीक है। अब अंकुर किसको कहते हैं यानी स्प्राउट किसको कहते हैं, अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुर कहते हैं। यानी एक बीज होता है, जो अंकुरित बीज होता है यानी जो ऐसे निकला होता है, उसमें से एक सफ़ेद जैसी धागे जैसी संरचना निकल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। आपने अंकुर देखे भी होगा। अब मकरंद यानी नेक्टर किसको कहते हैं, तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या फिर नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। यानी ये फूल है, गंदा सा फूल बन रहा है, ये फूल है, तो ये फूल में से जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनमें से रस जो निकालती है, उस रस को क्या कहते हैं, उस रस को मकरंद कहते हैं, और जो बाद में शहद बन जाता है, ठीक है। उसके बाद मधुमक्खियाँ जो हैं वो मकरंद का भंडारण करती हैं, क्यों करती हैं, यानी मकरंद को क्यों इकट्ठा करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद, जो फूल होता है और जो उनका मकरंद होता है यानी फूलों का जो रस होता है, वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, यानी पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही वो अवेलेबल होता है। अंततः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, और क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, इसलिए उसको इकट्ठा करके पहले से ही स्टोर करके रख लेती हैं, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। चलिए, भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। जो भंडारित शहद होता है यानी जो शहद उन्होंने इकट्ठा कर लिया होता है, उसको मधुमक्खियाँ अपने खाने के रूप में यूज करती हैं। अब उसके बाद खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, अभी हमने पौधों के पढ़े कि पौधों से हमें कैसे कैसे चीज़ें प्राप्त होती हैं, और हम क्या क्या चीज़ें जो हम पौधों की खाते हैं। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं के प्रकार, तो जंतु जो है तीन प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। चलिए अब इन तीनों को डिफाइन कर लेते हैं। शाकाहारी किसको कहते हैं, तो वे जंतु जो केवल पादप या फिर पादप उत्पाद खाते हैं, यानी जो जंतु सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हरे पत्ते खाते हैं, हरी चीज़ें खाते हैं, पादप खाते हैं या उनके उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कि गाय हो गई, हिरण, भैंस, खरगोश, ये सिर्फ क्या खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हरे पत्ते वाली चीज़ें ही खाते हैं। ये कभी आपने गाय को या भैंस को कुछ और खाते हुए नहीं देखा होगा, बस आपको वही हरे पत्ते वाली सब्जी खाते हुए देखी होंगी। उसके बाद मांसाहारी, मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो केवल जंतु या फिर जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को ही खाते हैं। जैसे शेर हो गया, तो शेर को आपने कभी हरे पत्ते खाते हुए देखे या कभी घास फूस खाते हुए देखा, नहीं ना। तो शेर जो है सिर्फ और सिर्फ जंतु को ही खाता है यानी मांस ही खाता है, तो इसलिए उसको मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ, ठीक है। उसके बाद सर्वाहारी, सर्वाहारी वो होते हैं जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, जो पादप भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जैसे मनुष्य हो गए, इंसान भी पादप भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं।
वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी दिक्कत हुई हो, डाउट हुआ हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट से करके पूछ सकते हैं बिल्कुल। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियोस देखने के लिए, और लाइक करना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।